पथ निर्माण विभाग पक्कमंडल देवघर द्वारा 26 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन मधुपुर बैकुंठ धाम से धमनी मोड़ भाया फुलची डेली पाथर सड़क निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरती जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य प्राक्कलन के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। काम बंद करो, सही नहीं हो रहा है। काम बंद करो, बंद करो, बंद करो, काम बंद करो। अच्छा काम नहीं हो रहा है, काम बंद करो, बंद करो। पुराना गिट्टी कवार के रोड में यही बिछा दे रहा, कहता है बोलता है इसलिए बने बैकुंठ धाम से लेकर कलाहाबाद तक यही हो रहा है। गांव वाला को बोलिए नहीं रहा, गांव वाला से मिला ना ठेकेदार तो बोलेगा क्या, यही तो बात है। मनोज कर रहा है, क्या कर रहा है मनोज? वही जो पुराना जो रोडवा था वही वाला गिटी उठा उठा के वही। सड़क की खुदाई ठीक से नहीं की गई, पुरानी सड़क के मलबे का सड़क में इस्तेमाल किया जा रहा है। गिट्टी व पत्थर की जगह पुरानी सड़क से निकले अलकतरानुमा गिट्टी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां झारखंड सरकार विकास को लेकर गंभीर है और हर रोज नई नई योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, कहीं सड़कों का शिलान्यास हो रहा है, कहीं भवन का शिलान्यास हो रहा है, और झारखंड सरकार के जो यहाँ स्थानीय विधायक हैं, मंत्री हैं हफीजुल हसन अंसारी, उन्होंने कई स्कीम मधुपुर विधानसभा में दिए हैं ताकि लोगों को इसका सीधा लाभ पहुंच सके। अभी आप देख सकते हैं कि बैकुंठ धाम से लेकर कान्हा जोड़ तक ये लगभग 26-27 करोड़ की लागत से इस रोड को बनना है, जिसका शिलान्यास पिछले दिनों मंत्री हफीजुल हसन ने किया था, लेकिन ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि किस ढंग का घटिया काम यहाँ पे किया जा रहा है। सबसे पहले रोड का चौड़ीकरण करना था, मट्टी को काटना था और काट के रोड को साफ करना है, और फिर उसके बाद इसका प्लिंथ बनाना है, और उसके बाद इसे बोल्डर डालना है, फिर मट्टी डालना है, और फिर इसको 3-4 पार्ट में इस रोड का निर्माण हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी से जो बंदरबाट होना शुरू हो गया है, अभी से जो लूट का बाजार गर्म हो चुका है, इसी मट्टी को, इसी गिट्टी को यहाँ से, इस रोड से जो बरसों पुराना गिट्टी जिसकी अस्तित्व समाप्त हो चुकी है, इसकी अस्तित्व समाप्त, और इसी गिट्टी को फिर से बिछाया जा रहा है, पूरा मट्टी को नहीं काटा गया है, ये लूट। आखिर झारखंड सरकार जो विकास की बात करती है तो क्या ऐसे ठेकेदार जो विकास के नाम पर लूट मचा रहे हैं और सीधा सीधा गांव ग्रामीण भोले भाले गांव ग्रामीण वासियों को भी बेवकूफ बना रहे हैं। जब गांव के लोग मांग करते हैं कि अच्छी सड़कें का निर्माण हो तो उनको नए नए सपने दिखा देते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से ये रोड का जो सड़क का जो सपना है बैकुंठ धाम से लेकर कलाजोर तक का, वो सपना शायद ही अच्छे सड़क का सपना साकार हो पाएगा। ऐसे ठेकेदार पर अविलंब घटिया निर्माण को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए और काम से पहले ऐसे ठेकेदार ब्लैकलिस्टेड होने चाहिए, तभी सचेत होंगे यहाँ के ठेकेदार और निर्माण सही से हो पाएगा। मैं चाहूंगा कि गांव ग्रामीण के लोग भी आगे आए और ऐसे घटिया निर्माण का खुलकर विरोध करें ताकि आपका काम, आपका सड़क अच्छे से बन सके। वहीं पुराने व जर्जर कलवर्ट में मात्र नई सीमेंट से पलस्तर कर इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य की जांच की मांग की है। बता दें कि बीते 21 फरवरी को सूबे के खेल व पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने इस सड़क का शिलान्यास किया था। पुल ये कलवर्ट बनाया जा रहा है, लेकिन एक कैसा निर्माण इसका हो रहा है देख सकते हैं। ये पुराना कलवर्ट था और इस पुराना कलवर्ट को कोड़ के सिर्फ इसमें ब्रीचिंग कर दिया गया है, साइड साइड इसमें साड़ दिया गया है। आज भी इस पुराने कलवर्ट को आप देख सकते हैं, ये पुरानी परत इसमें दिख रही है, पुरानी परत इसमें नजर आ रही है, और ये देख सकते हैं आप। और सिर्फ इसके ऊपर नीचे का जो बेस है बिल्कुल कमजोर है और इसके ऊपर ये ढाल दिया गया है, देख सकते हैं। आखिर कैसा बंदरबांट हो रहा, कैसा लूट हो रहा है, क्या इसी सड़क की उम्मीद यहाँ के लोगों ने की थी? ऐसे ही सड़क की उम्मीद यहाँ के लोगों ने की थी? आप देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कैब कितना जल्दी ये धस जाएगा, कितना जल्दी ये गिर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आखिर
जो अभियंता है, जो इंजीनियर है, आखिर क्या कर रहे हैं? आप देख सकते हैं कि ये बोल्डर और ये घटिया निर्माण, मैं आपको और भी जरा अंदर चल कर दिखाऊंगा। देखिए देखिए, ये छड़, ये वो पुराना छड़ जो पहले का छड़, ये वो पुराना छड़ है और इसी में जंग लगा हुआ है और इसी में ये निर्माण को पूरा किया जा रहा है। आखिर कहाँ है अभियंता, कहाँ है इंजीनियर, कहाँ है वैसे लोग, कहाँ है समाज के ठेकेदार, जो लोग अच्छे निर्माण की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं। ऐसे भविष्य की सपना हम देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि 26 करोड़ की लागत से बनने वाली ये सड़क, कलवट और पुल बिल्कुल घटिया निर्माण की ओर जा रही है। आखिर इस पर गांव वाले उंगली उठा रहे हैं, लगातार इस पर आवाज उठ रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम इनसे बात करेंगे कि गांव ग्रामीण के लोगों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? हम लोग को किस्तु यादव। कहाँ गांव है आपका? घर फुलची। देखिए, फुलची गांव है आपका, आप किस्तु यादव जी यहाँ के रहने वाले, क्या लगता है सड़क का सही निर्माण हो रहा है? सही कहाँ हो रहा है, इधर छील के हटा दिया, खाली अभी छर्री पर डालो बोलता है, मैंने लूट मचा दिया है। लूट मचा दिया है। क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे आप सरकार? हम लोग यही करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया बनना चाहिए यार, क्या मांग करेंगे? देखिए, रोड बढ़िया बनना चाहिए। देखिए, एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबी मांग के बाद ये सड़क माननीय मंत्री हफीजुल हसन ने अपने अथक प्रयास से झारखंड सरकार से मांग के इस सड़क को बनाने का बेड़ा उठाया है, लेकिन जो ठेकेदारी पड़ता है, जो पेटी कॉन्ट्रेक्टर है, ये बिल्कुल घटिया निर्माण कर पूरी तरह इसको बर्बाद कर रहे हैं। गांव ग्रामीण इसी बात का रोना रो रहे हैं। इनका कहना है कि हमारा सड़क अच्छा बने, यही इनकी उम्मीद है। और कलाजोर के साइड जो सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, उस पर खबर बनाई और आपने देखा कि कैसा घटिया निर्माण हो रहा है। बोल्डर जो लगाया जा रहा है पुल बनाने में, उसमें भी गुणवत्ता का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, उसमें भी ये जो सड़क की पुरानी गिट्टी है, घटिया गिट्टी है, जिसकी अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, उसे पुनः इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये कहें कि काम के गुणवत्ता को अनदेखी कर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है और सड़क बनाने में जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना का लाभ यहाँ के गांव ग्रामीण और लोगों को अच्छे लाभ मिल सके, लेकिन जिस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है सड़क निर्माण में, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में एक घटिया सड़क का निर्माण होने जा रहा है। कोई देखने वाला नहीं है, साइड पे जई नहीं है, एक सुपरवाइजर है। हम इस सुपरवाइजर से बात करेंगे कि आखिर ये इधर सुपरवाइजर यहाँ पे मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये ऐसे निर्माण क्यों इधर आई आप? क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश जी, आप क्या है इस निर्माण में? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कहाँ के रहने वाले? औरंगाबाद। औरंगाबाद के। ये बताइए कि सड़क का निर्माण हो रहा है तो ये जो इस पर सर मजबूती ना आएगा, वो ऊपर से डालना ना, इसको तो पूरा सड़क को फोड़ के साफ करना था, पहले साफ करके फिर उसको आपको मिट्टी फिलिंग करना था, आप इसी को पहले गिट्टी लगा दे रहे हैं, क्या प्राकलन में ऐसी है? उस पर सर फिर डालेंगे ना GSBW। प्राकलन में इस टाइप का काम है कि आप पुराना सड़क के गिट्टी को उखाड़ के पहले डाल दीजिए उसको, प्राकलन में ऐसा कुछ है? दूसरा, वो कलवट का निर्माण हो रहा है, कलवट बिल्कुल घटिया स्तर का कलवट आगे वाला बन रहा है, गुणवत्ता कुछ भी नहीं है, क्या सुपरवाइज कर रहे हैं आप? पत्थर तो सर मजबूत है, जेई क्या देख रहे हैं? देखिए, इनको कुछ भी पता नहीं, ये सुपरवाइजर है। अब ये सवाल ये खड़ा होता है कि झारखंड सरकार, जहाँ चंपई सोरेन सरकार आदिवासियों के उत्थान की बात कर रही, झारखंड के उत्थान की बात कर रही है और एक बात कर रही है कि एक अच्छा सड़क का निर्माण हम करेंगे ताकि लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके, लेकिन सड़क बनने से पहले जो स्थिति है, कल मैंने दिखाया कल्हाजोर और पाथरडी में, देली पाथर में, और आज ये आप देख सकते हैं बैकुंठ धाम का ये इलाका है। 26-27 करोड़ की ये सड़क
और अभी से लोग इसकी बंदर बांट में लगे हुए हैं, इसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं। सिर्फ बाहर के ठेकेदार और बाहर के लोग, उनको कोई मतलब नहीं है कि हमारा शहर का सड़क अच्छा बने और लोग उसका लाभ ले सके, लेकिन सिर्फ लूट लूट और लूट मची हुई है। इसको देखने वाला कोई नहीं है। आगे भी इस पर हमारा जारी रहेगा, हम इस पर नजर बनाए रहेंगे और बैकुंठ धाम से लेकर कलहाजोर तक लगातार इस सड़क पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकित जी, ये प्रोजेक्ट मैनेजर है पूरे सड़क निर्माण के। आपको बताते चले कि बैकुंठ धाम से लेकर कलहाजोर तक लगभग 26 करोड़ की योजना से इस सड़क का निर्माण होना है और निर्माण कार्य काफी तेजी से चल भी रहा है, लेकिन जो गुणवत्ता पर सवाल लगातार गांव वाले खड़े कर रहे हैं। हमने आपको कई कई पार्ट में दिखाया कि सड़कें जो बननी है वो सीधा ढंग से उसकी सफाई नहीं हुई, पुराने बोल्डर को लगा दिया गया। वही जो कलवट का निर्माण हो रहा है, पुराने कलवट में ही कलवट को डाल दिया गया है। ये सारी चीजें मैंने आपको दिखाया। इन सारी बातों को लेकर जब मैंने यहाँ के अभियंता से बात करना चाहा तो अभियंता कहीं भी निर्माण स्थल पर दिखाई नहीं पड़े। अभी अभियंता थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन एक होटल में रुके और वहीं से वो वापस चले गए। तो आप देख सकते हैं कि अभियंता को भी चिंता नहीं है कि अच्छे सड़क का निर्माण हो। जहां झारखंड सरकार ने और चंपई सोरेन ने एक अच्छी सड़क की सपना दिखाई है लोगों को, और यहां के मंत्री हफीजुल हसन ने एक लड़कर ये सड़क लाया है ताकि यहां के गांव ग्रामीण को, आदिवासी को, भोले वाले जनता को अच्छी सड़क मिल सके। लेकिन ठेकेदारी प्रथा कहीं ना कहीं इस सड़क के पीछे एक बहुत बड़ा रोड़ा पैदा कर रही है और सड़क घटिया सड़क निर्माण पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मैं इनसे बात करूंगा। अमित जी, क्या क्या कहना चाहेंगे इन सारी बातों पर? इन सारी बातों पे हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी प्रक्रिया है योजना का, वो बिल्कुल एस्टिमेट से काम हो रहा है और DPR के अकॉर्डिंग हो रहा है। और रही जो कंसर्न अथॉरिटी है, यहाँ डेली आना है, डेली वो गुणवत्ता को चेक करते हुए जो भी काम है वो गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। इसमें विशेष आप रूप से कुछ भी गलत काम हो या गलत जिस टाइप का आप बता रहे हैं कि पुराने कलवट में ही नया कलवट का निर्माण किया जा रहा है, वो तो कभी संभव है ही नहीं। अगर नहीं है तो आप हमारे साइट पे जाके फिर से अभी 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 मैंने देखा और गांव के लोग भी थे, मैंने उनकी फोटोग्राफी भी की है और साफ दिख रहा है पुराना छड़, पुराना निर्माण का जो अभी है। आप दिखे ही नहीं तब, अभी तो स्लैब का काम ही नहीं आया तो आप छड़ कहाँ से देख लिया? आप जाइए हमारे कैंप पे जो डेली पातर पुल के आगे है, वहाँ पे हमारा नया जो स्टील है वह गिरा हुआ है और कोई भी तरह का पुराने ये जो कलवट ढाला गया है ये अभी क्या ऐसी है? ये कलवट जो अभी निर्माण कर रहे हैं ना, वो निर्माण अवस्था में है, वो निर्माण नहीं हुआ है और पुराना कुछ नहीं है। उसके आगे देखिएगा कटिंग हुई है नया सिरे से, और वो कटिंग के बाद वो नया सिरे से पुराने कलवट को तोड़ना नहीं है। उसी पर आपका प्राकलन यही कहता है कि पुराने कलवट आपका आप अगर देखे हैं तो आप अच्छे से नहीं देख पाए हैं। पुराने कलवट को डिसमेंटलिंग करके नए तरीके से बनाया जा रहा है। जाके वहाँ देखिए चैनेज है आपका 1200 मीटर पे, वहाँ पे पूरा कटिंग किया गया है और उस कटिंग को जाके देखिए नए स्तर से 5400x12 मीटर का कटिंग है। वहाँ से धरातल से लेके रोड के टॉप तक का सारा प्रक्रिया के साथ ऊपर आ रहा है। जो सड़क का जो निर्माण हो रहा है, पुराना बोल्डर जो आप फाड़ रहे हैं सड़क का, सड़क को पूरी तरह प्लेन नहीं करे, वही बोल्डर को फिर उस पे लगा दिया जा रहा है। अभी प्राकलन यही कहता है। अभी आप कुछ भी नहीं देखे, आप ना देखे ना जाने हैं। चलिए, इनका ये कहना है कि हमने कुछ भी नहीं देखा है, काम ये कर रहे हैं और इनको अपने अंदाज से काम करना है। ये इनका कहना है कि इंजीनियर देख रहे हैं काम अच्छा हो रहा है, काम में गुणवत्ता का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन जो कैमरा, जो तीसरी आंखें देख रही हैं, गांव ग्रामीण के जनता जिस आवाज को उठा रहे हैं उसको साफ साफ ये अनदेखी कर रहे हैं। और इनका कहना है कि काम सब कुछ सही चल रहा है। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रिंस समाज एबी न्यूज मधुपुर। मधुपुर शहर का मशहूर और ख्याति प्राप्त भारद्वाज ऑप्टिकल्स अब आ गया है थाना रोड स्थित कबीर प्लाजा मार्केट के नीचे नए शोरूम के शक्ल में, जहां पर विभिन्न कंपनियों की घड़ियां जिनमें टाइटन, सोनाटा, फास्ट्रैक, डिजिटल क्लॉक, अजंता, टेबल क्लॉक, वॉल क्लॉक, कैलकुलेटर भी उपलब्ध है, जो कि आप शादी विवाह व किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने व आधुनिक मॉडर्न जमाने का स्मार्ट वॉच भी उपलब्ध है। इसके साथ ही शोरूम में आपके चेहरे की सुंदरता और आंखों की हिफाजत तथा सुरक्षा को लेकर विभिन्न अत्याधुनिक कंपनियों के
सनग्लासेस, पावर ग्लासेस, फोटोक्रोमेटिक लेंसेस, क्लारा, क्रेजल, नोवा, स्टेट प्लस, फ्लोराइड, चीज, एसी पॉल, ब्लू रे, स्टॉप, ब्लू कार्ड, ब्लू कॉटन की कंपनियां की ग्लासेस भी उपलब्ध हैं। साथ ही इसकी सुंदरता को बढ़ाने वाली फ्रेम नामी गिरामी कंपनियों के टाइटन, जी प्लस, फास्ट ट्रैक, रेबन, डबर, हेजल, क्रेस्ट, वेलोसिटी, लॉरेल डेल, सेंट मार्क्स वॉक की फ्रेमें हैं भी हैं। इतना ही नहीं, आपकी आंखों में होने वाली किसी तरह की समस्या व उसके समाधान तथा इलाज के लिए डॉक्टर प्रभात कुमार द्वारा प्रत्येक रविवार को चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।